गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने हमारी जो क्लास हुई थी उसमें पिच को स्टार्ट किया था। हम जानते हैं ये पक्षियों का अभिलाषणिक गुण होता है। अब हमने कल कंटूर पिच को सामान्य बारे में उसकी जानकारी प्राप्त की थी और बताया था कि कंटूर पिच क्या होता है। अब हम आज सबसे पहले कंटूर पिच के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसका परिवर्धन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर हम दूसरा जो पिच है वो हम लेंगे। देखिए कंटूर पिच की अगर मैं नामांकित चित्र बनाऊं तो कल हमने एक इसका नामांकित चित्र बनाया था। देखिए हमने कंटूर पिच का एक नामांकित चित्र बनाया है। अब देखिए हमने इसे, जब भी आपने कबूतर का या किसी भी चिड़िया का आपने पंख देखा होगा तो सामान्यतः वह जो टूटा हुआ पूरा एक हिस्सा होता है जिसको अपन हाथ में लेते हैं वह रियल में क्या है, वह रियल में कंटूर होता है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इसमें सबसे नीचे की ओर एक केंद्रीय वृंत होता है जिसे हम सामान्य भाषा में स्केपस कहते हैं। स्केपस, देखिए एक नीचे की ओर जो वृंत है क्योंकि इसी वृंत के ऊपर की ओर विभिन्न आकार की ये पिचिकाएं लगी रहती है। अब ये कौन सा भाग कहलाता है, यह स्केपस कहलाता है और इसी भाग पर ऊपर की ओर चौड़े पिच फलक पाए जाते हैं। अब देखिए नीचे की ओर जो स्केपस भाग होता है यह दो भागों से मिलकर बना होता है। इसके पास जो भाग है वह दो भाग होते हैं, एक तो होता है कैलेमस, दूसरा होता है रेकिस। देखिए ये जो इसके पास भाग होता है, मैं आपको नामांकित चित्र बता रहा हूं, ये जितना भी पोर्शन है जिस पर ऊपर की ओर हम पिच फलक लगे हुए हैं ये जो पूरा पोर्शन है यह इसके पास कहलाता है। इसके पास है यह दो भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है कैलेमस एक होता है रेकिस। अब देखिए हम जानते हैं कि इस पिच फलक का, इस जो पिच है इसका कुछ हिस्सा त्वचा में गड़ा रहेगा। अब त्वचा में गड़े का मतलब क्या है, एक तो हम जानते हैं इस पिच को पोषण मिलता रहे, दूसरा हम जानते हैं कि यह पिच मजबूती से रहे। अब वह भाग जो त्वचा के अंदर गड़ा रहता है वह कैलेमस होता है, नोट करते रहिएगा, यह भाग त्वचा में गड़ा रहता है अर्थात त्वचा के अंदर जो भाग स्थित होता है वह कैलेमस कहलाता है और यह भाग आकार में खोखला होता है, आकार में खोखला होता है। अब कहने का मतलब क्या है, कभी भी आप इस पंख के, अब देखिए कैलेमस तो क्या है, यह भाग त्वचा के अंदर गड़ा रहता है और आकार में बिल्कुल क्या होता है, खोखला होता है। इस कैलेमस पोर्शन में देखिए ये पूरा पोर्शन तो क्या है, अब समझ लीजिएगा यह पूरा पोर्शन तो क्या है, इसके पस है। अब इसके पस के दो हिस्से हैं, पहला वह हिस्सा जो त्वचा में गड़ा है वो तो कौन सा है, अगर त्वचा में इतना पोर्शन ही गड़ा हुआ है तो ये कौन सा है, कैलेमस। अब वह हिस्सा जो त्वचा के बाहर है वह कौन सा होता है, रेकिस। ये ध्यान रखना यह पोर्शन त्वचा के बाहर स्थित होता है और इस रेकिस पर ही पिच फलक पाए जाते हैं।
पिच फलक का मतलब ये जो संरचना है पिच फलक ये है, यह रैकिस पर ही पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जितना भी पोर्शन पूरा ये लंबा दंड है जिस पर नीचे तो त्वचा में गड़े हुए भाग को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो पूरा पोर्शन है यह क्या कहलाता है, रैकिस कहलाता है। इसी रैकिस पर ये पिच फलक पाए जाते हैं। अब ये ध्यान रखना, ये जो पिच फलक है जिसमें पिच्छिकाएं होती है जो तिरछे क्रम में, जो तिरछे क्रम में लगी रहती है। अब जानना, तिरछे क्रम में लगी रहती है और इनकी आकृति दो प्रकार से होती है। किसी में तो क्या होती है, समान होती है, अर्थात स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जाते हैं तो आकृति समान होती है, कुछ में क्या होती है, असमान होती है। तो आप नोट कर लीजिए कि ऊपर वाला ठोस भाग, ऊपर वाला ठोस भाग रैकिस या दंड कहलाता है, जिस पर फैला हुआ पिच फलक स्थित होता है। अब ध्यान रखिए, पिच फलक क्या है, रियल में पिच फलक एक पंख के समान जालदार संरचनाएं होती है जो रैकिस को दो हिस्सों में विभाजित करती है। दो हिस्से का मतलब क्या है, फर्स्ट हिस्सा सेकंड हिस्सा। तो पिच जो फलक होता है वह रियल में पंख के समान जालदार संरचनाएं होती है और वह रैकिस को दो समान भागों पर विभाजित करती है और इस पिच फलक पर ही पिच्छिकाएं पाई जाती है। पिच्छिकाएं पाई जाती है, ये सिंपल सी जो संरचना होती है वह क्या है, पिच्छिकाएं पाई जाती है। तो लिख लीजिए, पिच फलक पिच के समान फैली जालदार संरचना होती है जो रैकिस को दो असमान भागों में विभाजित करती है। तथा प्रत्येक भाग में असंख्य मतलब ये संख्या माने एक असंख्य महीन सूत्र समान, असंख्य महीन सूत्र समान संरचना पाई जाती है जो रैकिस पर समांतर क्रम में सघनता से लगी रहती है जिन्हें पिच्छक कहते हैं, जिन्हें पिच्छक कहते हैं। और हर पिच्छक के दूरस्थ एवं समीपस्थ सिरे पर पिच्छिकाएं लगी रहती है। अब देखिए, सेकंड जो है वो है हमारा कोमल पिच, जिसको हमने कल की क्लास में छोड़ स्टॉप किया लास्ट के अंदर, वो हम वापस शुरू कर रहे हैं। सेकंड है हमारा कोमल पिच। देखिए, अब कोमल पिच के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कोमल पिच के बारे में क्या होता है। देखिए, इस कोमल पिच में हमें दो चीज पढ़नी है, एक होता है नीड सावक पंख क्या होते हैं, दूसरा है चूर्ण कोमल
पक्षिती, नेड सावक पंख, दूसरा है चूर्ण कोमल पक्षिती। अब देखिए पहले मैं इसकी एक सिंपल सी बात कर लेता हूं, पहले अपन इसका कोमल पिच का एक डायग्राम बना लेते हैं कि कोमल पिच का रियल में डायग्राम कैसा होता है। अब देखिए हमने कोमल पिच का एक नामांकित डायग्राम बना लिया, अब इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है तो अपन कितने भी बना सकते हैं। अब देखिए हमने इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो हमने सबसे पहले क्या बताया था कि हमने कंटूर पिच में कि एक भाग होता है स्केपस, ये हमने बताया था स्केपस, पहले इसको समझ लीजिए स्केपस भाग बताया था। फिर हमने इसमें कहा था कि दो भाग होते हैं, एक तो होता है कैलेमस और एक होता है रेकिस। अब हमने क्या कहा था कि कैलेमस पोर्शन तो त्वचा में गड़ा रहता है और रेकिस पोर्शन बाहर होता है और जिस पर पिच्छी का पाई जाती है। अब देखिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि कोमल पिच की, कि इसमें रेकिस अनुपस्थित होता है। अब रेकिस अनुपस्थित है, अब रेकिस अनुपस्थित होने के कारण देखिए डायग्राम समझिए कि रेकिस अनुपस्थित होने के कारण क्या फर्क पड़ा, इसको समझिए पहले। देखिए रेकिस अब्सेंट होने का मतलब क्या हुआ, हम अगर रेकिस बनाते ना तो हम जानते हैं कि रेकिस बनाता तो मैं इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनाता। लेकिन देखिए यहां पर क्या है, ये पोर्शन तो क्या है स्केपस है। अब इस स्केपस का एक भाग है वो तो क्या है त्वचा में गड़ा हुआ है, जिसको मैंने क्या कह दिया कैलेमस। लेकिन दूसरा पोर्शन जो रेकिस है वह क्या है अनुपस्थित है। अब अनुपस्थित है इस कारण क्या होंगे, इसमें स्केपस भाग में ही उसमें तो क्या रेकिस पे पिच्छक पाए जाते थे और पिच्छक पर ही क्या थी पिच्छिकाएं लगती थी, इसमें क्या है रेकिस पोर्शन पर ही स्केपस पोर्शन पर ही जो स्केपस पोर्शन है उस पर ही क्या लगेंगे पिच्छक लगेंगे और इन पिच्छक पर असंख्य क्या होगी पिच्छिकाएं पाई जाती। समझ आया? तो क्या उसमें और इसमें क्या फर्क है कि उसमें रेकिस पोर्शन पर पिच्छक लगते थे। अब देखिए पिच्छक और पिच्छिकाएं क्या है वो समझ लीजिए, आप पहले ये आप समझ लीजिए, आपको ये कंफ्यूज कर रही होगी। देखिए ये हो गया रेकिस, अब इसको क्या होते हैं ये होता है पिच्छफलक हो गया। अब ये क्या है ये पिच्छिका है ना, इस पे छोटे छोटे आकार के क्या पाई जाती है पिच्छिका, ये छोटे आकार की जो होती है वो क्या होती है पिच्छिकाएं होती है। तो पिच्छिका समझ में आ गया, पिच्छक समझ आ गया, पिच्छफलक और अपन रेकिस, तो इसमें क्या है इसमें रेकिस अनुपस्थित है और इसीलिए एक भाग जो त्वचा में गड़ा हुआ है वो कौन सा कैलेमस और इसके पास भाग में ही क्या है पिच्छक और पिच्छिकाएं पाई जाती है। अब दूसरा प्रश्न आता है नीड सावक पंख क्या होते हैं। देखिए नीड सावक पंख वह पंख होते हैं जो जब भी बच्चा जन्म लेता है उसके जन्म के तुरंत बाद जो पंख आते हैं वह नीड सावक पंख कहलाते हैं, इसीलिए इसको नीड सावक, क्योंकि समय के साथ ये क्या हो जाते हैं झड़ जाते हैं। अब आता है चूर्ण कोमल पक्षिती क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चूर्ण कोमल पक्षिती, क्योंकि किसी भी जंतु के शरीर में अगर वजन को कम करना है तो चूर्ण कोमल पक्षिती का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखिए होता क्या है, कबूतर के शरीर में या किसी भी पक्षी वर्ग के शरीर में उत्सर्जी पदार्थों को संग्रहित करने का कोई अंग नहीं पाया जाता। कारण क्या, अगर उत्सर्जी पदार्थों को शरीर में संग्रहित करेंगे तो वजन क्या होगा हमेशा बढ़ेगा। कबूतर क्या होता है जब भी उड़ता है वो खाता है और उसी समय उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सीधा नीचे गिरता है, मतलब उसमें जो अपन जैसे स्टोरेज करते हैं वैसा कोई अंग नहीं पाया जाता। अब वो जब भी अपशिष्ट पदार्थ को त्यागेगा तो अपशिष्ट पदार्थ हमेशा अर्ध तरल होता है, आपने कबूतर की बीट देखी होगी तो वो हमेशा अर्ध तरल होती है, अर्थात थोड़ा उसमें लिक्विड पानी होता है और फिर उसका अपशिष्ट पदार्थ होता है। अब होता क्या है कबूतर किसी स्थान पर बैठा है किसी स्थान से उड़ रहा है, जब वो अपने अपशिष्ट पदार्थ बीट को त्यागता है तो अपन जानते हैं कि बीट क्या होती है प्रारंभ में गीली होती है लेकिन थोड़ी देर बाद वो सूख जाती है। अब जब कबूतर मान लीजिए कबूतर अपनी बीट को त्याग रहा है तो हम जानते हैं कि जब वो बीट को त्यागता है तो उस बीट का कुछ हिस्सा उसके पंख पर लग जाता है, लगेगा।
अब जब उसके पंख पर लगता है तो समय के साथ क्या होगा, वह हिस्सा सूख जाता है, मिस कठोर हो जाएगा। अब बार बार वो बीट को त्याग रहा है तो उसके शरीर पर क्या होगी, धीरे धीरे वजन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। अब इस वजन को हटाने के लिए उसके शरीर से कोमल पिच के पास से छोटे छोटे आकार के शरीर से कण निकलते हैं। इन कणों को हम अगर अपनी भाषा में कहें तो आपने डेंड्रफ देखा होगा, जिसको आप कहते हो खोरा, आपने खोरा देखा होगा, छोटे छोटे कण कैसे निकलते हैं, वैसे ही क्या होता है, इनमें चूर्ण कोमल पक्षी चूर्ण कोमल कण निकलते हैं। अब कबूतर क्या करता है कि आपने कभी भी किसी जानवर को पानी में बैठ के देखा होगा कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा हिलाता है, हिलाता है। वो हिलाने का मतलब क्या है, वो कोई क्रिया नहीं कर रहा है, वो रियल में चूर्ण कोमल पक्षी क्रिया कर रहा है। अब क्या होता क्या है, जैसे ही कबूतर किसी पानी के कुंड में बैठता है तो क्या होगा, बीट गीली हो जाएगी। गीली होने का मतलब क्या, आसानी से उतर सकेगी। अब वो बीट हल्की सी गीली है, ठीक उसी समय इसके शरीर से क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, चूर्ण कोमल पत्थर टाइप कण निकलते हैं। अब कबूतर क्या करता है, उन कणों को जब इस बीट पे रगड़ता है, जब रगड़ता है शरीर को हिलाता है, तो वो कण क्या करते हैं, इसके शरीर से पानी की सहायता से अलग हो रहे हैं। लेकिन जब वो कण अलग होते हैं तो वो कण क्या करते हैं, इनके शरीर से बीट को भी अब हटा देते हैं। इसीलिए कबूतर अपने शरीर से बार बार पानी में हिलाता है। इस हिलाने की प्रक्रिया से क्या होता है, उसके शरीर से अपशिष्ट जो पदार्थों का जो हिस्सा शेष रह गया है वह क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आप दोनों नोट कर लीजिए। तीसरा जो पिच है हमारा वो था रोम पिच। तीसरा हमारा जो पिच है वो है क्या है, रोम पिच। अब रोम पिच है तो हम जानते हैं ये बालों के समान क्या होंगे, महीन संरचनाएं होती। अब देखिए रोम पिच में ध्यान रखना कि रोम पिच में रेकिस पाया जाता है। अब देखिए रोम पिच क्या है, यह बाल के समान तथा एक महीन संरचना होती है, यह एक महीन बाल के समान संरचना होती है। अब इस रोम पिच की क्या विशेषता होती है कि इसमें छोटा सा तो कैलेमस होगा, ये ध्यान रखिए, अब देखिए अब आप इस डायग्राम को समझ लीजिए, रोम पिच और कंटूर पिच में क्या अंतर है, इस चीज को सबसे पहले बोर्ड पे समझ लीजिए कि हमने जब कंटूर पिच को बनाया था तो हमने क्या कहा था, उसमें नीचे की ओर तो क्या होता है कैलेमस होता है और ऊपर की ओर क्या था रेकिस, और ये दोनों पोर्शन क्या होते हैं इसके, बस समझ आ गया। अब हमने क्या कहा था कंटूर पिच में तो क्या था कि जो परत है वो निरंतर यहां तक विभाजित रहती है, लेकिन रोम पिच में जो पिच्छक होते हैं और पिच्छिकाएं होती है वह केवल शरीर के ऊपरी सिरे पर ही पाई जाती है, ये ऊपरी सिरे पर पाई जाती है और इसीलिए ये रोम पिच कहलाते हैं। तो रोम पिच क्या है कि एक महीन बाल के समान संरचना होती है जो कंटूर पिच के मध्य में लगे रहते हैं, नेक्स्ट क्या है, इनमें रेकिस के दूरस्थ सिरे पर पिच्छिकाएं पाई जाती है। तो ये था हमारा तीसरा रोम पिच, ठीक है। इसमें ध्यान है, डायग्राम समझ आ गया दोनों के, इसमें दूरस्थ है। अब चौथा हमारा एक छोटा एक नंबर का प्रश्न आ चुका है, रिक्टल सूखे क्या होती है, ये हमारा एक एक नंबर के प्रश्न आ चुके हैं। हो गया, अब आता है चौथा है रिक्टल सूखे।
रिक्टल सूके, ये हमारा एक नंबर का प्रश्न भी आ चुका है कि रिक्टल सूके क्या होती है। देखिए रिक्टल जो सूके होती है वह एक पिच की एक प्रकार होता है, लेकिन सभी प्रजातियों में नहीं पाया जाता। कुछ प्रजातियां होती है जैसे फ्लाई कैचर, फ्लाई कैचर, फ्लाई कैचर जी सुना है ना, उड़ते हुए कैच करना। फ्लाई कैचर जो प्रजाति होती है उसमें क्या होती है, रिक्टल सूके पाई जाती है। यह कहां पाई जाती है, यह चोंच के आधार भाग पर, इन जीवों में चोंच के आधार भाग पर, आधार भाग पर पिच की एक महीन परत, महीन परत पाई जाती है जिसे रिक्टल सूके कहते हैं। अब देखिए ये जो परत होती है ना, ये रोम पिच की उल्टी होती है। कैसे होती है आप डायग्राम से समझिए। मैंने रोम पिच का डायग्राम बनाया था तो मैंने क्या कहा था, ये डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम बनाया था। अब मैंने क्या कहा था आपको कि इसमें, इसमें नीचे की ओर तो क्या होता है, कैलेमस होता है, ठीक है, ऊपर की ओर क्या 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 कहा था, रेकिस कहा था, और ये दोनों भाग क्या होते हैं, स्केपस, ये कहा था। अब मैंने रोम पिच में जब डायग्राम बनाया तो मैंने ऊपर की ओर क्या बताए थे, पिच बताए थे। इसमें जो रिक्टल सूके होती है ना वह कैलेमस के जस्ट ऊपर की ओर रेकिस पोर्शन में लगी रहती है, अर्थात यह रेकिस के निचले सिरे पर लगी रहती है। और इसमें ऊपर की ओर जो होती है उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग रेकिस, और नीचे की ओर होती है उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट रेकिस, रेकिस। समझ आ गया, ये इसका नामांकित चित्र बना लीजिए कि फ्लाई कैचर जैसे जीवों में चोंच आधार भाग पर पिच की एक महीन परत जिसे रिक्टल सूके कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो छोटा कैलेमस होता है अंदर दब जाए। अब रेकिस दो हिस्सों में टूटा हुआ होता है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। शॉर्ट हिस्से में भी क्या होता है, ये पिच की परत पाई जाती है, और ऊपर की ओर क्या होता है, लॉन्ग रेकिस होता है। अब लास्ट एक नंबर का प्रश्न आ गया है, वो है निर्मोचन। निर्मोचन क्या होता है, देखिए हमने निर्मोचन का अर्थ होता है पंख का त्यागना। आपने कभी भी कबूतर को देखा होगा, कभी कबूतर किसी पक्षी चिड़िया को देखा होगा, तो इनमें समय के साथ इनके पंख झड़ते रहते हैं, अर्थात पंख झड़ते हैं और नए पंख आते हैं। अब ये क्रिया कुछ जीवों में साल में एक बार होती है, कुछ में चलती है। तो निर्मोचन का अर्थ होता है नए पंख द्वारा, नए पंख पुराने पंखों का नए पंख के द्वारा प्रतिस्थापित करना। तो कहने का मतलब क्या है, पुराने पंख टूटकर अलग हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, उसकी जगह क्या होंगे, नए पंख आते रहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, निर्मोचन। इसी के साथ आज की हमारी क्लास पूर्ण होती है। जो हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें इससे आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।